तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेल्फ स्टिक के बारे में। आप देख सकते हैं मेरे सामने क्लिक मी सेल्फ स्टिक है। ये मुझे बस 47 रुपीज़ में मिली है, वो भी रिलायंस डिजिटल। आपको पता है रिलायंस कितना बड़ा मार्केट है? मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, देखिए। वहाँ से मुझे मिला है, मैंने ख़रीदा है वहाँ से, वन डे डिलीवरी में, वो भी बिल्कुल फ्री डिलीवरी में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए इसे देखते हैं क्या है, कैसा है। तो देख सकते हैं, सबसे पहले प्लास्टिक में अपने सेल्फ स्टिक आ चुके हैं, ब्लैक कलर में है। मुझे कलर की वहाँ पे कोई चॉइस नहीं मिल रही थी, तो सिर्फ ब्लैक कलर में ही अवेलेबल था, तो मैंने ब्लैक कलर बुला लिया। देख सकते सेल्फ स्टिक पॉकेट में भी लेके जा सकते हैं, ट्रैवल में कहीं पे भी दोस्त के साथ। अगर आपको सेल्फी निकालनी हो तो सेल्फी पॉइंट में सेल्फी स्टिक ब्लैक कलर में, हार्ड मटेरियल है। साथ में जो केबल लगा है वो भी अच्छे क्वालिटी का है, मजबूत है। चलिए मैं आपको इसे अब लंबा करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। ये कुछ 109 सेंटीमीटर तक लंबी है, हार्ड है। मैंने इसको यूज़ करके देखा है, तो मुझे कुछ अपना मोबाइल गिर जाएगा ऐसा कुछ लगा नहीं। एकदम कंफर्टेबल है वह। ये मोबाइल होल्डर है, मैंने इसको भी चेक किया अच्छे से, तो ये भी हार्ड है कि अपना मोबाइल नीचे गिरे ना। सेल्फी स्टिक का बटन भी अच्छा है, उस पे रबर का ग्रिप भी अच्छा है। मैंने कई सेल्फी स्टिक का देखा है तो फट जाता है, पर ये हार्ड है। और ये रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट पे था, मतलब रिलायंस डिजिटल से ख़रीदा मैंने। इसका वायर भी अच्छा है, इसके पॉकेट के अंदर मुझे ये मिला, आपके मोबाइल के डिवाइस इस कंफर्टेबल है। तो मैंने देखा तो मेरा मोबाइल का मॉडल वहाँ पे नहीं लिखा था, फिर भी मैंने लगा के देखा तो वो कंफर्टेबल हो गया। तो वो कोई काम का चीज़ नहीं है, आपके मोबाइल को आराम से कंफर्टेबल कर लेगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बट मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है। मुझे जब मुझे डिलीवरी मिली तब मुझे पता चला कि मेड इन चाइना का था, जब मैंने देखा तो ऑनलाइन तब मुझे नहीं पता था कि मेड इन चाइना का है। पर आपको अगर कम रुपीस में लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं।